एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रिथा। आज आपके सामने लेकर आई हूं मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। जी हां, चाहे आप 8th पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, चाहे आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री हो ना हो, तब भी आप इसमें इजीली अर्निंग कर सकते हैं। मैं जानती हूं कि आप सबको आजकल पैसे की रिक्वायरमेंट है और आप घर बैठकर कुछ काम करना चाहते हैं क्योंकि लॉकडाउन है या आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अलाउ नहीं करती कि आप बाहर जाकर कुछ करें। तो जो प्लेटफॉर्म मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूं, इस पर आप इजिली एक डिसेंट मनी अर्न कर सकते हैं जो आपकी रोज की जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये काम आसान है और अर्निंग भी आप डिसेंट कर सकते हैं। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा ना हो और आपको काम करने में मुश्किल आए। तो मेरे साथ एंड तक इस वीडियो को देखिए और आइए मैं आपको बताती हूं कि कौन सा ये प्लेटफॉर्म है और किस तरह आप इस पर इजिली अर्निंग कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आई हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। आप देख सकते हैं ये जॉब है इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेटर और ये रिमोट जॉब है। आप यहाँ पर देखिए, ये रिमोट जॉब है और इसमें आपको मैं पूरी डिटेल्स देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें करना क्या है, कन्वर्ट द बिजनेस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यानी आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, अगर वो इंग्लिश में है तो हिंदी में, हिंदी में है तो इंग्लिश में, आपको उसको सिंपली ट्रांसलेट करना है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी इस काम के लिए आनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेंथ 12 महीने की है, आपको 12 महीने के लिए ये काम दिया जाएगा। पार्ट टाइम आवर्स 30 आवर्स पर वीक आपको करने हैं। तो अगर आप 7 दिन रखते हैं तो करीब 4 से 4.25 घंटे हर रोज का आपके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट है। आप इसको फुल टाइम, पार्ट टाइम, फ्रीलांस की तरह कर सकते हैं। और ये देखिए, आपको 6,000 से 30,000 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन आप कितना काम करेंगे, कैसा काम करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है। मुझे नहीं लगता किसी को इस बारे में सोचना चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट तो बहुत कम आती है। देखिए बेनिफिट क्या क्या है, फ़ायदे, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, आप फ्लेक्सिबल शिफ्ट कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री इसके साथ परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम है। और ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ये ट्रांसलेट करने का या ट्रांसक्राइब करने का तो बहुत अच्छी बात है। पर देखिए यहाँ पर मैंडेटरी नहीं लिखा है, मतलब ज़रूरी नहीं है लेकिन प्रेफर्ड है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। वर्क फ्रॉम होम यस। यहाँ पर करना क्या है, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ उस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने ये पेज खुलेगा। आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे जाएंगे। मैं आपको आज प्रोसेस बता देती हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने बताया नहीं कैसे करना है, पर प्लीज़ एक बार ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि मैं हर जॉब में पूरा अप्लाई करके शायद नहीं दिखा सकती, क्योंकि इतने सारे जॉब में मैं अप्लाई करूँगी तो मेरे पास इतने ईमेल्स आएंगे, तो मैं हर जॉब में अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको इसमें बता देती हूँ। तो आपके पास ये पेज खुलेगा, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नाम, लास्ट नेम, जो भी पूछा गया है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करेंगे। वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू बटन है, उसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहां में ऐड करना है। तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपके पास रेज्यूमे बना हुआ पड़ा है, आप उसे ऐड कर दीजिए, मैंने पहले से डाल रखा है, या अगर मैं चाहूँ मैं इसे रिप्लेस कर दूँ तो मैं इसे रिप्लेस पे जाऊँगी और अपने सिस्टम से मुझे जो भी डॉक्यूमेंट पिक करना है वो पिक करके ओपन करके इसमें रिप्लेस भी कर सकती हूँ। तो आप इस ऑप्शन पर ही जाइएगा और इसके बाद आप कंटिन्यू प्रेस कर दीजिएगा। जब आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। तो वैसे अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तो कहूँगी कि आप ज़ीरो मत लिखिएगा, आप वन लिख लीजिएगा। जब आपके पास कॉल आ जाए तो आप उनको बता दीजिएगा कि गलती से प्रेस हो गया था, या क्योंकि मैं ये सलाह आपको इसलिए दे रही हूँ, देखिए आप ज़ीरो लिखेंगे हो सकता है आप शॉर्टलिस्ट हो ना हो, आपकी चांसेस कम हो जाए, पर एक बार आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आप उनको बता सकते हैं। तो आप इसमें प्रेफरेबली वन डाल दीजिएगा, ज़ीरो डालना चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज गेन कर लीजिएगा।
प्लीज लिस्ट 2-3 डेट्स एंड टाइम रेंजेस दैट यू कुड डू एन इंटरव्यू. तो यहाँ पर ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है. आप चाहें तो इसमें कि मैं मंडे को इतने इतने बजे के बीच में इंटरव्यू दे सकता हूँ, मैं ट्यूसडे को इस डेट को दे सकता हूँ, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. नहीं करना है तो ऑप्शनल है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं. अब देखिए, ये आपसे ये भी पूछ रहा है कि यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. तो आप चाहें तो अगर है तो फिल कर दीजिएगा, नहीं आप इसे छोड़ भी सकते हैं और आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइएगा. अब ये कह रहा है वॉन्ट टू इंक्लूड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. अगर आपने कोई कवर लेटर बना रखा है, कवर लेटर क्या होता है, जैसे हम अपने रेज्यूमे के साथ लगाते हैं, डियर एचआर मैनेजर, आई एम सो एंड सो एंड आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम वर्किंग हेयर, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, ऐसे करके अगर कोई कवर लेटर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं. कोई आपने मान लीजिए वाकई इसमें कुछ कोर्स कर रखा है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में, तो आप यहाँ पर अपलोड फाइल करके उसको डाल सकते हैं. इसके बाद आप रिव्यू एप्लीकेशन क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल भरी है वो आपके सामने आ जाएगी. तो आपके सामने ऊपर सारी डिटेल, ऊपर आपका नाम, मैंने ऊपर इसको शिफ्ट कर रखा है बिकॉज मेरी पर्सनल डिटेल्स उसमें हैं. तो आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएंगी. नोटिफाई मी बाय ईमेल व्हेन सिमिलर जॉब अपीयर्स, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि ऐसा और कोई जॉब आए तो आपके पास आ जाए. और उसके बाद आप ये सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे. अब ये देखिए, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है. और ये जनरली एक दिन में रिस्पॉन्ड दे देता है. आप थोड़ा सा वेट करिएगा पेशेंस के साथ. रेट योर जॉब एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, आपको फिल करने में आसानी रही, कैसा लगा, तो मैं इसे एक्सेलेंट करके सबमिट कर देती हूँ. तो इस तरीके से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और इस जॉब में आपको सिंपल ट्रांसलेशन करना है, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इजीली कर सकते हैं. इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको इंटरनेट पे मिलती है, आप उसमें जाकर भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं. तो इस जॉब के लिए अप्लाई करने में देर मत करिएगा, ऐसा ना हो जॉब एक्सपायर हो जाए और फिर आप अप्लाई करें. तो है ना आसान, जल्दी से इस प्लेटफॉर्म पर आप रजिस्टर करिए, काम करना शुरू करिए. आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरा ठहरिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक तो बनता ही है, मुझे मोटिवेट कर दीजिए ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाती रहूं और आपकी अर्निंग यूं ही होती रहे. बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि वही आपको बताएगा मेरा अगला वीडियो आपको किस तरह के अर्निंग प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराएगा. टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी.